राम गोपाल के भाई को सुनवाएंगे। दो गोलियां सीने में लगी, एक गोली सिर में लगी। उपद्रवियों के घर के अंदर था भाई का शव। आप सोचिए हालात कितने संगीन थे उस समय, और ये सवाल बार बार कि आखिरकार इस तरीके की साजिश किसकी है। राम गोपाल की मां ने कहा कि 24 गोलियां मारी गई हैं, कई जगहों पर फरसे से वार किया गया है। अब राम गोपाल के भाई को सुनिए। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहां पे थे? हम नहीं थे वहां पर। नहीं थे। हमको पता चला कि वहां पर अरे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे मुसलमानों लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर, पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहां से भागा दी गई। भागा दी गई, वहां पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान दो गोलियां, एक दो सीने पर और दो यहाँ, ये सब लगी है। इतनी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारे दिन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। दो चचेरे भाई थे, उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से। उस बॉडी घर के अंदर थी? घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहे हैं। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। बहराइच में पुलिस ने बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने की काफी जद्दोजहद की है। लगातार ये कोशिश जारी है, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कभी भीड़ पुलिस को दौड़ाती है तो कभी पुलिस भीड़ को दौड़ा रही है। बहराइच के हालात को काबू में करने के लिए एसटीएफ के जो चीफ है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। हाथ में पिस्टल लेकर सड़कों पर उतर गए और भीड़ की ओर कहा कि आप जाइए, स्थिति को हम देख रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पिस्टल लेकर उपद्रवियों के पीछे दौड़ पड़े। अमिताभ यश, ये तस्वीर आप देखिए, खुद हाथों में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को दौड़ाते तस्वीरों में दिखे हैं। हालात ये, तो एसटीएफ चीफ की ये तस्वीरें, हाथ में पिस्टल लेकर खुद सड़क पर उतरे और जो उपद्रवी सड़क पर थे, दो टूक कह दिया पूरे महकमे को कि दौड़ाओ और इनको कंट्रोल करो। हालात बेहद मुश्किल बने हैं बहराइच में, तनावपूर्ण माहौल है पूरे बहराइच में, और अब स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस विभाग को ये साफ तौर पर आदेश है कि सारे बड़े अधिकारी कैंप करें। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये रेयर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब इस तरीके से सख्त होना पड़े पुलिस के अधिकारियों को, और ये तस्वीर बता रही है अमिताभ यश की कि माहौल वहां पर कितना तनावपूर्ण है कि उन्हें खुद पिस्टल लेकर सड़क पर उतरना पड़ा ताकि पुलिस आगे बढ़े और जो उपद्रवी सड़क पर दिख रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जाए और स्थिति को काबू में किया जाए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पहुंचे हैं, होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता पहुंचे हैं। कैसे कंट्रोल किया जाए स्थिति को, ये प्रायोरिटी पुलिस प्रशासन की है। जो बलवाई हैं, जो दंगाई हैं, जो हंगामा कर रहे थे, जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने आगजनी की, उनको समझाने की कोशिश पहले हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब तक जो जानकारी मिल पाई है, 35 लोग लगभग पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, FIR दर्ज हो गई है। कल जो रामगोपाल की मौत हुई थी उस मामले में, जो हत्या की गई थी उस मामले में FIR दर्ज हो गई है, उससे भी संबंधित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 6 आरोपी हैं और 4 अज्ञात आरोपी हैं, कुल 10 लोगों के खिलाफ इस मामले में FIR हुई है। पुलिस उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अभी पहली वरीयता इस बात को लेकर है कि कैसे बहराइच में शांतिपूर्ण हालात कायम किए जाए, जो शांति भंग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, लेकिन साथ ही साथ पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए उन इलाकों में पहुंच रही है जहां पर हिंसा भड़की थी, लोगों को समझाया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद सड़कों पर निकले हुए हैं, होम सेक्रेटरी लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो पहला ध्यान, पहली कोशिश बहराइच पर, लेकिन पूरे प्रदेश में भी
डीजीपी की नजर है। ऐसे सेंसिटिव जिले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, खासतौर पर बरेली, बदायूं, मुजफ्फरनगर, बागपत, इन इलाकों में और साथ ही पूर्वांचल में, यहां पर भी विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पे लगातार पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि छोटी सी अब्बा चिंगारी का कब रूप ले लेती है पता नहीं चलता। तो ऐसे में बाकी जिलों पर भी डीजीपी की ओर से नजर रखी जा रही है, मुख्यालय की ओर से सारी चीजें मॉनिटर की जा रही है। सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं और पहला फोकस इस समय बहराइच पर है कि बहराइच में जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हैं तो पूरे जो उस इलाके की तरफ जाने वाला रास्ता है वो बैरिकेड कर दिया गया है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। पहली कोशिश की वहां पर बाहर ठीक है। मनीष आप बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। तो बिरले इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है कि जब एसटीएफ चीफ को रिवॉल्वर लेकर सड़क पर उतरकर यह संदेश देना पड़े कि कोई अगर उपद्रव मचाएगा, कोई दंगा फैलाने की कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस महकमे को भी संदेश कि जो उपद्रवी है उनको सख्ती से निपटिए, और उपद्रवियों को भी संदेश कि जाइए अपने घर में बैठ जाइए वरना पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बहराइच में नाराज भीड़ सड़कों पर रही, गुस्से की आग में कई घर जल गए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंसा बढ़ गई है, अस्पताल शोरूम के बाद उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। बहराइच में भीड़ ने एक दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी, आक्रोशित भीड़ ने कई घरों में आगजनी भी की है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस लगातार वहां पर गश्त भी कर रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से घरों में आग लगा दी, घरों को आग के हवाले कर दिया गया, ठेले जो सड़क पर थे, जो वाहन सड़क पर थे उनको आग के हवाले कर दिया गया। हमारी आपसे अपील है इन तस्वीरों को दिखाते हुए, उपद्रव किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी को कोई शिकायत तो लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करे, लेकिन अगर इस तरीके से आगजनी, इस तरीके से उपद्रव फैलेगा तो पुलिस उससे निपटती भी है। पुलिस सबका ध्यान रखने के लिए सड़कों पर है, इसलिए आप अपने घर में रहिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सिर्फ महाराजगंज बस्ती में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी आगजनी घटनाएं हुई हैं। आप दिखाए इस तरह से जो तमाम घर हैं उन्हें भी आग के हवाले जो है वो कर दिया गया है उपद्रवियों के द्वारा। और ये देखिए किस तरीके से घर के अंदर से आगे निकल रही हैं, तमाम फोर्सेज जो है अब सड़कों पर मार्च भी कर रही हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन हमने देखा किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो सड़कों पर थे और सड़कों पर वो इस तरह से जो आसपास की प्रॉपर्टीज थी उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, तमाम जो घर थे उनको आग के हवाले किया। जो गाड़ियां थी, देखिए घर के अंदर एक गाड़ी पड़ी है इसको तोड़ दिया है, ये ट्रैक्टर है, घर के अंदर गाड़ियां पड़ी हुई हैं इसको आग के हवाले कर दिया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तबाही मचाई गई है। हम चाहेंगे अपने प्रोग्राम से कहें कि थोड़ा दूर रह के दिखाएं, ये इस वक्त गाड़ियों में आग जो है वो जल रही है, ये घर के अंदर इस वक्त मौजूद है। देखिए जो गाड़ी है उसको जो है तोड़ दिया गया है, डैमेज किया गया है पूरी तरीके से, कांच जो है वो बिखरे पड़े यहाँ पे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो घर के अंदर गाड़ियाँ हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया है, और चूंकि अभी भी जल रहा है तो खतरा और भी बढ़ा हुआ है। दूसरा आगे दिखाते हैं आपको, दूसरी ये दुकान थी इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से जो शॉप है उसको भी आग के हवाले उपद्रवियों ने किया है, तो पूरी तरीके से तहस नहस करने की कोशिश जो है वो उपद्रवियों द्वारा की गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से, देखिए ये घर है, घर के आगे एक दुकान थी इसको जला दिया गया है, जो गाड़ियां तमाम यहाँ पे रखी थी इन गाड़ियों को जलाया गया है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने पूरे इलाके में आगजनी की है, छिटपुट घटनाएं, आगजनी की इस तरह की घटनाएं जो है वो हुई है। यहाँ आपको दिखाते हैं एक बार, कैसे देखिए एक बार तस्वीरें दिखा दें आपको कि ये देखिए जो घर है उनको, उनके सामने दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई है, ठेले जो है सड़कों पर खड़े हैं इन ठेलों में भी आग लगा दी गई है, और अब जो है फोर्सेस जो है वो गश्त कर रही हैं। ठीक घर के अंदर आग की लपटें जो है आपको दिखाई देंगी, ये घर है जिसमें आग लगा दी गई है पूरा। देखिए किस तरीके से तमाम जो घर के अंदर सामान है उसको जला दिया गया है, पूरा घर जो है वो इस वक्त आग के हवाले है। इस वक्त आग जो है वो घर के अंदर है, और यहाँ पर दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, बाहर फोर्सेस जो है वो मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर घर के बाहर जो है, देखिए जो ये एक तरह से रिक्शा है और उस रिक्शे को, गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत भयावह है, किस तरीके से घरों के अंदर गाड़ियों में आग लगाई गई है, जलाया गया है, और अब प्रशासन की ओर से मूवमेंट जो है वो शुरू की गई है। तस्वीरें बहुत डरावनी है, खौफनाक है कि किस तरीके से
सब कुछ जैसा कि लग रहा है कि आग के हवाले कर देना है। उपद्रवी सब कुछ जला कर तहस नहस कर डालना चाहते हैं।